इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 करेंगे कॉर्निया, शफी मोहम्मद जतोई से। इसमें सबसे पहले अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है। इसमें देखें तो कॉर्निया के बारे में लिखा है कि कॉर्निया जो है ये राउंड कन्वेक्स ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है जो कि एंटीरियर 1/6 ऑफ द आउटर फाइब्रस एनवेलप ऑफ द आई बनाता है। एंटीरियर 1/6, ठीक है। सबसे पहले तो इसकी डायमेंशंस हैं, हम एंटीरियर देखें, एंटीरियर कॉर्नियल डायमीटर जो होता है ना हमारा, वो तकरीबन 11.5 मिलीमीटर वर्टिकली होगा और 12 मिलीमीटर जो है वो हॉरिजॉन्टली होगा इस तरह, ठीक है। 12 मिलीमीटर और वर्टिकली जो है 11.5, ये हो गया एंटीरियर। जबकि पोस्टीरियर जो कॉर्नियल डायमीटर होता है ये सर्कुलर होता है और मेजर करता है अबाउट 11.7 मिलीमीटर। उसके बाद आ जाती है शेप। सेंट्रली 1/3 ऑफ द कॉर्निया, दैट इज़ के मतलब 4 मिलीमीटर जो है वो स्फेरिकल होगा, जबकि पेरिफेरी में कॉर्निया जो है वो फ्लैटर होता जाएगा, ठीक है। सिर्फ 4 मिलीमीटर स्फेरिकल होगा सेंटर में। थिकनेस की बात करें तो कॉर्निया जो होता है ना वो थिनेस्ट होता है अपने सेंटर पे। इसकी जो थिकनेस है वो 0.5 मिलीमीटर से लेके 0.54 मिलीमीटर तक इसकी थिकनेस होती है। उसके बाद ये कि थिकनेस जो है ना ये बढ़ती जाती है, ग्रेजुअली इंक्रीज होगी फ्रॉम सेंटर टू द पेरिफेरी वेयर इट इज़ 0.65 मिलीमीटर टू 1 मिलीमीटर तक भी मतलब हो सकती है, ठीक है। सेंटर से जैसे पेरिफेरी की तरफ जाएंगे तो इसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी, 0.65 से लेके 1 मिलीमीटर तक ये आ सकती है थिकनेस। कॉर्नियल थिकनेस जो होती है ना ये इंपॉर्टेंट होती है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द केराटोकोनस, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा के डायग्नोसिस में और रिफ्रैक्टिव लेज़र सर्जरी में। इसके बाद आ जाते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। देखिए एंटीरियर जो कन्वेक्स सरफेस होता है ना वो 7.8 मिलीमीटर होता है, ठीक है। अब हम इस कर्वेचर की बात कर रहे हैं तो ये मतलब 7.8 मिलीमीटर होगा, रेंज करेगा 6.7 से 9.4 मिलीमीटर तक। तो ये वैल्यूज़ जो हैं ये बहुत मुश्किल भी हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं, तो ये याद करनी है सारी। ये एंटीरियर कन्वेक्स सरफेस हो गया, जबकि पोस्टीरियर जो है कनकेव सरफेस होगा और वो उसका कितना होगा रेडियस, वो है 6.2 से 6.8 मिलीमीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 1.376 होता है। एंटीरियर कर्वेचर जो है ना वो हम यूज़ करते हैं टू मेजर द पावर ऑफ इंट्रा ऑक्यूलर लेंस यूज्ड इन द कैटरेक्ट सर्जरी, ठीक है। कैटरेक्ट सर्जरी में हम इसी एंटीरियर कर्वेचर को ही मेजर करते हैं, यही इम्पोर्टेंट होता है जिससे हमें जो है ना इंट्राओक्युलर लेंस की पावर का पता चलता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम रिफ्रैक्टिव पावर पे। जो एंटीरियर कन्वेक्स वाला सरफेस होता है ना उसको पॉजिटिव 48 डायोप्टर्स इसका रिफ्रैक्टिव पावर है, पोस्टीरियर कनकेव वाले का नेगेटिव 5 डायोप्टर्स और एवरेज जो पावर है कॉर्निया की वो है पॉजिटिव 43 डायोप्टर्स, ठीक हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं डेवलपमेंट पे। एपिथेलियम की बात करें तो ये ना डेवलप करता है फ्रॉम द सरफेस एक्टोडर्म से, ये हमने एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ा हुआ है, ठीक है। सरफेस एक्टोडर्म से इसकी एपिथेलियम डेवलप करेगी, जबकि स्ट्रोमा और जो एंडोथेलियम है वो डेवलप करेंगे फ्रॉम द न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, ठीक है। तो स्ट्रोमा और एंडोथेलियम जो है ये डेवलप करेंगे फ्रॉम द न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। उसके बाद अब हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर पे। फिगर 8.1 को भी देखें तो कॉर्निया जो है ना ये कंपोज हुई होती है 5 लेयर्स से, जिसमें क्या आ जाता है, एपिथेलियम आ जाती है, बोमेंस लेयर आ जाती है, बोमेंस मेम्ब्रेन कह सकते हैं, स्ट्रोमा, डेसिमेंट मेम्ब्रेन और एंडोथेलियम, ठीक है। तो ये 5 लेयर मिलके कॉर्निया बनाती है। सबसे पहले डिटेल में हम देखेंगे एपिथेलियम। एपिथेलियम जो है ना सेंट्रल कॉर्निया की, यानी सेंट्रल कॉर्निया की जो एपिथेलियम है ना ये टर्मिनली डिफरेंशिएटेड एपिथेलियम है। इसकी जो थिकनेस होती है ये तकरीबन 50 माइक्रोमीटर होती है। इस एपिथेलियम की थिकनेस 50 माइक्रोमीटर यानी 5 to 7 सेल लेयर थिक होती है। और ये कौन सी एपिथेलियम होती है ये टाइप, ये होती है हमारी नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, ये आपने याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये कंपोज हुई होती है फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल्स के साथ। कौन से सेल्स होते हैं इस एपिथेलियम में, बेसल सेल्स होते हैं, सिंगल लेयर ऑफ कोलमनार सेल्स लाइंग ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। दूसरे विंग सेल्स होते हैं, ये 2 to 3 लेयर्स होती हैं विंग सेल्स की। सरफेस सेल्स होते हैं,
दो लेयर होती हैं सेल्स की, जो कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस टाइप सेल्स होते हैं विथ माइक्रोविलाई इन कॉन्टैक्ट विथ टीयर फिल्म। ठीक हो गया, ये तीन किस्म के सेल्स इनके माइक्रोविलाई मतलब टीयर फिल्म के साथ कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं, सरफेस सेल्स की माइक्रोविलाई। इसके अलावा कौन से सेल होते हैं? लिम्बल स्टेम सेल्स, ये लोकेटेड होते हैं लिम्बस में। लिम्बस आपको पता है कि जंक्शन होता है आयरिस का और कॉर्निया का, जिसको माइरिडोकॉर्नियल जंक्शन या एंगल या लिम्बस कहते हैं। तो वहाँ पे लिम्बल स्टेम सेल्स होते हैं। कॉर्नियल एपिथेलियम जो होती है ना हमारी, ये कंटिन्यूसली रिप्लेस हो रही होती है लिम्बल स्टेम सेल्स के साथ। हर जो लिम्बल स्टेम सेल्स है ना, ये डिवाइड करता है दो डॉटर सेल में, और उन दो डॉटर में सेल्स में से एक जो है ना वो स्टेम सेल्स ही बन जाएगा, और जो दूसरा वाला होगा ना वो डिफरेंशिएट होगा इनटू द कॉर्नियल एपिथेलियल सेल, जो कि फिर मूव करेगा टुवर्ड द सेंट्रल कॉर्निया, सेंटर की तरफ मूव करेगा। डैमेज टू द लिम्बल स्टेम सेल्स में रिजल्ट करेगा क्रोनिक एपिथेलियल डिफेक्ट्स आ सकते हैं, और कंजक्टिवलाइजेशन हो सकती है कॉर्नियल सरफेस की। कॉर्नियल एपिथेलियम जो है ना, ये रिलेटिवली इम्परमीएबल होता है टू वाटर। ठीक है, वाटर को इम्परमीएबल होता है क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एपिकल टाइट जंक्शंस की वजह से। इसी की वजह से हमारी कॉर्नियल एपिथेलियम इम्परमीएबल है टू द वाटर। एपिथेलियम के बाद दूसरे नंबर पर हमारे आ जाती है ये बोमेंस लेयर। ठीक है, अब इस बोमेंस लेयर की बात करें तो ये 8 to 14 माइक्रोमीटर थिक है। 8 to 14, ये एपिथेलियम 50 माइक्रोमीटर थी, ये 8 to 14 है, पतली सी। ये ए सेलुलर सुपरफिशियल लेयर होती है स्ट्रोमा की, जो कि कंपोज्ड हुई होती है कंडेंस्ड कोलेजन फिब्रिल्स से, होती ये ए सेलुलर है। ठीक है, और बनी किस चीज़ से हुई है? कोलेजन फिब्रिल्स से। और ये जो है ना ख़त्म हो जाएगी पेरिफेरी ऑफ द कॉर्निया पे एब्रप्टली। ठीक है, इट एंड्स एब्रप्टली एट द पेरिफेरी ऑफ द कॉर्निया। इट हैज़ नो पावर ऑफ रीजनरेशन आफ्टर द डैमेज। एक बार डैमेज हो गया तो ये बोमेंस मेम्ब्रेन दोबारा रीजनरेट नहीं हो सकती, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद आ जाती है हमारी थर्ड लेयर, जो कि है ये स्ट्रोमा, या जिसको हम लेमिना प्रोप्रिया भी कह सकते हैं। ये कंप्राइज करती है 90% थिकनेस ऑफ द कॉर्निया। ठीक है, ये लेमिना प्रोप्रिया। कोलेजन लेमिला जो है ना, ये बना हुआ होता है कोलेजन फिब्रिल्स का। लेमिला जो है ये यूनिफॉर्म होते हैं इन द साइज, और ये रेगुलरली स्पेस्ड होते हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? जो कोलेजन फिब्रिल्स का बना था कंडेंस्ड कोलेजन फिब्रिल्स थे, लेकिन वो थी हमारी बोमेंस मेम्ब्रेन। यहाँ पे ये यूनिफॉर्म साइज़ के और रेगुलरली स्पेस्ड कोलेजन फिब्रिल्स से बना होता है हमारा स्ट्रोमा। ग्राउंड सब्सटेंस में वही प्रोटियोग्लाइकन होगा। केराटोसाइट्स जो है ना, ये कोलेजन प्रोड्यूसिंग फाइब्रोब्लास्ट होते हैं। ये सेल्स होते हैं केराटोसाइट्स, जो कि कोलेजन बनाते हैं, होते ये फाइब्रोब्लास्ट ही हैं। उसके बाद है हमारी चौथी डेसिमेंट मेम्ब्रेन। ये 50 माइक्रोमीटर थी एपिथेलियम, बोमेन लेयर 8 to 14। फिर डेसिमेंट मेम्ब्रेन जो है ये 10 to 12 माइक्रोमीटर थिक है। ये 8 to 14, ये 10 to 12, उससे भी थोड़ी सी पतली। ये डेसिमेंट मेम्ब्रेन जो है ना, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन कहलाती है ऑफ द एंडोथेलियम। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ये टर्मिनेट करेगी पेरीफेरी पे एट अ प्रोमिनेंट लाइन, जिसको हम कहते हैं शॉल्वेस लाइन। शॉल्वेस लाइन पे मतलब ये पेरीफेरी पे आके टर्मिनेट करती है डेसिमेंट मेम्ब्रेन, और एक प्रोमिनेंट लाइन बनाती है जिसको शॉल्वेस लाइन कहते हैं। इट इज़ अनेबल टू रीजनरेट। ठीक है, इसका भी सेम केस है जैसा बोमेंस मेम्ब्रेन का था। उसके बाद आ जाती है लास्ट हमारी फिफ्थ लेयर, विच इज़ द एंडोथेलियम। तो एंडोथेलियम जो होती है ना, ये हमारी सिंगल लेयर होती है हेक्सागोनल सेल्स की। ये वाइटल रोल प्ले करती है इन मेंटेनिंग डिटर्जेंट्स, यानी डिहाइड्रेशन ऑफ द कॉर्निया, यानी कॉर्निया को डिहाइड्रेट होने से ये एंडोथेलियम ही बचाती है। और अगर ये डैमेज हो गई तो कॉर्नियल एडिमा हो सकता है, और एंडोथेलियम भी सेम, अगर डैमेज हो गई तो ये अनेबल है टू रीजनरेट। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमारी आ जाती है ब्लड सप्लाई। तो हमें पता है कि कॉर्निया, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कॉर्निया ए वास्कुलर है। ठीक है, लेकिन जो कॉर्निया स्क्लेरल लिम्बस होता है ना, 1 मिलीमीटर का जो लिम्बस है कॉर्निया और स्क्लेरा का जंक्शन, ये सप्लाई होता है बाय पेरी लिम्बल प्लेक्सस से। उसके बाद आ जाती है हमारी नर्व सप्लाई। तो लॉन्ग सिलियरी नर्व्स जो होती हैं, ब्रांचेस ऑफ द ऑप्थाल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, ये कॉर्निया को सप्लाई करती हैं। कॉर्निया मोस्ट डेंसली इनर्वेटेड टिशू है हमारी बॉडी का, मोस्ट डेंसली इनर्वेटेड। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन ऑफ द कॉर्निया। कॉर्निया ए वास्कुलर है, न्यूट्रिएंट्स जो है ना ये सप्लाई होते हैं, और मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स जो है रिमूव होते हैं मेनली वी आर द एक्वस ह्यूमर पोस्टीरियरली एंड टीयर्स एंटीरियरली।
तो इस तरह से इसको न्यूट्रिशन मिलती है। कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कैसे होती है, एक तो एक्टिव एंडोथेलियल पंप मैकेनिज्म होता है जो इसकी ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करता है। इसके अलावा रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द एपिथेलियल एंड एंडोथेलियल सेल, इनकी रेगुलर अरेंजमेंट की वजह से भी ये ट्रांसपेरेंट है। रेगुलर ओरिएंटेशन एंड स्पेसिंग ऑफ द स्ट्रोमल कोलेजन फाइबर्स, तो उनको उनमें भी अल्लाह ताला ने मतलब ये स्पेसिंग नॉर्मल रखी है, रेगुलर ओरिएंटेशन है तो उसकी वजह से भी ये ट्रांसपेरेंट है। और इसके अलावा ब्लड और लिम्फेटिक्स की एब्सेंस है तो इसकी वजह से भी कॉर्निया हमारी ट्रांसपेरेंट है नेचुरली। फंक्शन क्या है कॉर्निया के, कॉर्निया जो है ना एक पावर